भारतीय सेना 2018 को युद्ध अक्षम सैनिकों के वर्ष के रूप में मना रही है, जिसके तहत आज पठानकोट के मामून कैंट के क्षेत्र में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट वाई वे के मोहन ने की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश के 6 उत्तरी राज्यों में रहने वाले 12,000 के करीब युद्ध अक्षम सैनिकों के साथ संपर्क साधना और उनका मान सम्मान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य इन सैनिकों के देश के प्रति कभी न मरने वाले जज्बे को भी सलाम करना है। ये कार्यक्रम जुलाई से अक्टूबर तक किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में अक्टूबर माह में मामून कैंट में 4 दिवसीय विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के 6 उत्तरी राज्यों में रहने वाले इन वीर योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये फोर्स की तरफ बहुत ही उत्तम प्रयास है। एक तो उससे जागरूकता बढ़ेगी, दूसरा वास्तव में ही जो सैन्य दिव्यांग हैं उनको सहायता मिलेगी, और इसके लिए मैं आह्वान करता हूँ समाज का कि समाज भी आगे बढ़ चल के उन वीरों को जिन्होंने अपने देश का अपना शरीर का दान करा है देश के लिए, कुछ ना कुछ आगे बढ़ के करें। इससे समाज में उनकी स्वयं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। डिसेबल्ड सोल्जर को ज़्यादातर जो है एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि वो हमेशा जा नहीं सकता, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के बावजूद कोई उस तरह की कार्रवाई जमीनी तौर पर करी नहीं गई है। तो तीसरी चीज़ जो है उसको ज़रा से चीज़ में कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, जिससे उसके लिए परेशानी होती है। और ये सेना का अब अथक प्रयास है कि वो इस परेशानी को दूर करें। जागती लड़की पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।